हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो कि आई ओ क्यू एम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में दो मार्क्स के लिए पूछा था क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एक सेट है सेट क्या होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सेट को इस तरह से डिफाइन किया गया है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने ठीक है में कह रहा है कि ए कॉमा बी ठीक है है ना ब्रैकेट में दिया बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स तो ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और ए और बी का वैल्यू टू से लेकर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक है और यहां पे एक इक्वेशन एक है लॉगरे लॉग ए बी लॉग बेस ए बी प्लस सिक्स लॉग बेस बी ए इज इक्वल टू फाइव अगर हम ऐसा करें देखें लॉग ए बी और लॉग बी ए को अगर हम देखें लॉग बी ए और अगर हम लॉग ए बी के साथ रिलेशन लें तो ऐसे ही हो जाता है दोनों एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल है ना? तो अगर हम लॉग ए बी को लॉग बेस ए बी को टी मान लें या कुछ और मान लें आप एक्स मान लें चलिए एक्स मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा x ये होगा सिक्स इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव यहाँ पे x आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू फाइव एक्स इधर तो बहुत सिंपल है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स कॉमन एक्स माइनस थ्री माइनस टू कामन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो काफ़ी आसान है इधर एक्स माइनस थ्री इन टू एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो दैट इज़ एक्स या तो थ्री होगा थ्री माइनस थ्री जीरो या एक्स टू होगा इतनी बात तो समझ पा रहे हैं एक्स थ्री होगा या टू होगा ये बहुत ही सिंपल है इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं कॉमेंट करके ओके okay? इतना आप नोट कर लीजिए एक्स क्या आया हमारा थ्री कॉमा टू और एक्स किसके बराबर है लॉग b बेस a, ओके okay? तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो x आया हमारा कितना थ्री और टू इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आया लॉग b बेस a ये थ्री आया या लॉग b बेस a क्या आया टू आया अगर इसको हम लिखें b बराबर क्या होगा ए क्यू यही तो लॉग में लिखने का यही तरीका है b बराबर ए क्यूब को लॉग में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे लॉग बेस ए बी मतलब इसको ऐसे जानते होंगे आप ठीक है ना इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ठीक है तो बी इज इक्वल हमारे पास क्या है ए कॉमा बी ए कॉमा बी जो हमारा होगा ये वाला तो वो क्या होगा ए तो ए है बी क्या हो गया ए क्यू ए हमारे पास आ गया उसी तरह से यहाँ पे होगा ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉमा ए स्क्वायर समझ रहे हैं आप अब बताइए ए अगर हम रखें टू चूंकि बोला है ए और बी का वैल्यू दो से लेकर कहाँ तक दो हजार तेईस तक दो रखेंगे टू क्यूब कितना हो जाएगा एट थ्री रखेंगे थ्री क्यूब क्या होगा ट्वेंटी सेवन फोर रखेंगे तो फोर क्यूब क्या हो जाएगा सिक्सटी फोर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे अगर अब बारह रखेंगे तो बारह का क्यूब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा वन सेवन टू एट ठीक है थर्टीन रख के देख लेते हैं ये होगा हमारा टू वन नाइन सेवन लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है दो हज़ार तेईस से आप ऊपर नहीं जा सकते दैट इज़ ये तो हमारा गलत हो गया थर्टीन रखने से बी का वैल्यू वो रेंज से बाहर हो जाता है उसी तरह यहाँ पे अगर टू रखेंगे टू स्क्वायर फोर थ्री रखेंगे थ्री स्क्वायर नाइन फोर रखेंगे फोर स्क्वायर सिक्सटीन फाइव रखेंगे फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इसी तरह से अगर हम ट्वेंटी अगर हम फोर्टी फोर स्क्वायर करें आप चेक करते जाइए 44 तो 44 का स्क्वायर कितना होगा इसका वैल्यू निकल के आ रहा है हमारा 1936 नाइन अब चाहें तो और आगे देख लीजिए 45 का स्क्वायर चार एक पाँच पाँच बीस टू थाउजेंड लेना कितना है 2023 तक तो ये हम नहीं ले सकते क्योंकि 45 में ए तो ठीक है बट बी का रेंज क्रॉस कर जाता है जितना बोला है उससे ज़्यादा तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो पहला एलिमेंट हमारा क्या आया दो कॉमा आठ दूसरा तीन कॉमा सत्ताईस, तीसरा चार कॉमा चौसठ इसी तरह से बारह कॉमा सत्रह सौ अट्ठाइस तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन हुए तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एलिमेंट्स कौन कौन हुए सेट में दो कॉमा आठ दूसरा तीन कॉमा सत्ताईस, तीसरा करते करते कितना बारह कॉमा सत्रह सौ अट्ठाईस इधर भी होगा फिर दो कॉमा चार तीन कॉमा नौ करते करते कहाँ तक जाएगा फोर्टी तो गिनना पड़ेगा तो दो से लेकर बारह कितने सारे होंगे मैंने निकालने के तरीके बताएं आपको तो आप क्या करें जैसे मैं बोलूं मेरे पास दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बड़े तो हम गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह या आप क्या करें लास्ट में कौन है अगर लगातार नेचुरल नंबर से तो बारह शुरू में कौन है दो उसमें एक जोड़ दीजिए बारह एक तेरह तेरह में दो गया कितना आ गया ग्यारह तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर आपको लगातार अगर दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स में तो आप कैसे निकालेंगे लास्ट वाला माइनस पहला वाला उसमें एक जोड़ देंगे यानी तो देख लीजिए निकाल के कितना आएगा तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें तो बारह यहाँ पे लास्ट है शुरू में दो है उसमें एक जोड़ है तो कितना हुआ बारह एक तेरह में दो किया ग्यारह यहाँ पे अगर देखें दो से लेकर फोर्टी फोर तक तो फोर्टी फोर माइनस टू प्लस वन चार चौरिस पैंतालीस पंद्रह में दो गया तो यहाँ पे फोर्टी थ्री एलिमेंट्स है इधर ग्यारह एलिमेंट्स हैं टोटल कितने एलिमेंट्स हैं फोर्टी थ्री प्लस एलेवन दैट इज थ्री और वन फोर 5 फाइव वन फोर वन फाइव तो देयर आर फिफ्टी फोर एलिमेंट्स एंड द आंसर इज फिफ्टी फोर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हुआ वह फिफ्टी फोर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पाए होंगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच